पार्श्वनाथ जैन समाज का है और इसका पूरा हमारे पास में लिखित में है कि ये पार्श्वनाथ जो है जैन समाज का ही है। देखिए आदिवासी यदि संगठन अपने आप को बोलता है कि ये सब हम मजबूत हैं तो हम भी कमजोर नहीं है। ये आदिवासियों जैनियों की कहीं से कोई भी लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई है। हम इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहते हैं, हम इसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करना चाहते हैं। आदिवासी भी इतने पागल नहीं है कि वैसे चल देंगे, उनको नेताओं का सह मिल रही है, नेताओं की सह के ऊपर ये काम हो रहा है, भड़काया जा रहा है उनको। और ये हमारा है और रहेगा, इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा, हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना शिखर नहीं देंगे। पारसनाथ पे हजारों आदिवासियों के महाजुटान के बाद पारसनाथ विवाद एक बार फिर से सुलग चुका है। एक तरफ आदिवासी इस पे अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि पिछले महीनों से लगातार जैन जो धर्मावलंबी हैं वो लगातार देश के अलग अलग कोनों में अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने आंदोलन किया। आखिरकार केंद्र सरकार ने इसको इको टूरिज्म से हटा भी दिया, लेकिन अब आदिवासी संगठन गोलबंद हुए हैं और पारसनाथ पहाड़ पे उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। इस बीच अभी हम जैन समुदाय के लोगों के बीच में मौजूद हैं। ये पारसनाथ पहाड़ पे ये लोग अपना जो है तमाम ठिकाना भी बनाए हुए हैं, आश्रम भी बनाए हुए हैं। पहला सवाल यही होगा आप लोगों से, जो विवाद है पारसनाथ किसका है? पारसनाथ जैन समाज का है और इसका पूरा हमारे पास में लिखित में है कि ये पारसनाथ जो है जैन समाज का ही है। इसमें कहीं पे भी आदिवासियों के हमें किसी समाज से कोई बुराइयां नहीं है, क्योंकि तीर्थ जिस क्षेत्र जो होते हैं दर्शनार्थी सभी आते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उस पहाड़ के लिए अपना बनाया जा रहा है ये बहुत गलत है। जैसा उनका की कहना है कि हमारा पहाड़ है, हम उस पर अपना कब्जा जमाएंगे, तो कब्जे जमाने वाली कोई बात ही नहीं है। ये सारा हमारे सरकार के पास भी और अनादिकाल से ये शाश्वत जो तीर्थ क्षेत्र है ये ना उनने बनाया है ना हमने बनाया, ये शाश्वत है और जैन धर्म का है, ऐसा उल्लेख हम अपने शास्त्रों के द्वारा आपको दे सकते हैं। और इसके लिए हम प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के हैं और हम केंद्र के भी उपाध्यक्ष हैं, इस नाते मैंने पूरे केंद्र में इस मुहिम के लिए अपनी एक लड़ाई लड़ी हुई है, जहाँ पर कि हम लोगों ने हस्ताक्षर के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से और जुलूस के माध्यम से, एक बहुत बड़े जुलूस के माध्यम से हम लोगों ने शिखर जी बचाने का आंदोलन किया है। और ये हमारा है और रहेगा, इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा, हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना शिखर नहीं देंगे, ये हमारा आपके दिल से बात है। हाँ जी। और हमारी जो शाखाएं हैं भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी हैं, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, और क्या कहलाते हैं, जापान में है, कनाडा में है, लंदन में है, तो वो सारी बहनें भी इसी प्रयास में हैं। और यदि ये आंदोलन बढ़ा तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में यहाँ सामने आएगा आप लोगों के। जिस तरह से आप तमाम धर्मावलंबी जो हैं अपने आंदोलन को आप लोगों ने बैक किया, लेकिन अब जिस तरह से आदिवासी संगठन गोलबंद हुए हैं किस तरह से देखते हैं? देखिए आदिवासी यदि संगठन अपने आप को बोलता है कि ये सब हम मजबूत हैं तो हम भी कमजोर नहीं है। हम अहिंसावादी जरूर हैं लेकिन यदि हमारे धर्म के क्षेत्र पर यदि कोई हम वार करेगा तो हम सब पुरुष बच्चे और नारियां एकत्रित होकर के उसके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। भारत सरकार से और आदिवासी भाइयों से सिर्फ इतना कहना है, हमारा आदिवासी भाइयों से कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ ये मुख्य उद्देश्य है कि पवित्र क्षेत्र इस क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखा जाए। और हमारा सरकार से पर्यटन स्थल घोषित करने का पुरजोर विरोध है, क्योंकि पर्यटन स्थल घोषित करने से सिर्फ जैन समाज का ही नहीं आदिवासी समाज का भी नुकसान ही होगा, क्योंकि उनकी जमीनों को जब सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचेगी तो वो अधिग्रहण करेगी और उनको वहां से भगाया जाएगा, फिर वो बेरोजगार होंगे। यहां से तो सबका उनको रोजगार ही मिल रहा है और पर्यटन स्थल क्षेत्र घोषित किया गया, सरकार इसको वापस ले, इसको पवित्र क्षेत्र घोषित करे जैसे अन्य क्षेत्र हैं जिनमें मांस मदिरा का सेवन वर्जित किया जाए और शुद्ध सात्विक रूप से बिना जूते चप्पल पहने, क्योंकि सिद्ध भूमि है, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर यहाँ से मोक्ष गए हैं, हमारे 24 तीर्थंकर अनादिकाल से मोक्ष जाते गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। ये सिद्ध क्षेत्र शाश्वत है, ना ये किसी द्वारा बनवाया गया है, ना कोई बना सकता है, अनादि निधन क्षेत्र है, अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये क्षेत्र रहेगा, बस इतना ही हमारा। सभी जानते हैं कि ये शाश्वत पर्वत है और इससे हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ये इसलिए आज से नहीं है कि आज हमें हो। और हमारे जो आदिवासी भाई हैं जो डोली लेकर जाते थे, वो शुरू से डोली लेकर हमें, हमारे जो बुजुर्ग जो नहीं चढ़ सकते थे पर्वत, वो उनके लिए, उनकी सहायता के लिए जाते थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने उनको वो पर्वत दे दिया है या वो हमारा, हमें आदिवासी भाइयों से कोई भी वो नहीं है, ना मैं उनसे अधिकार उनका छीनना चाहती हूँ, ना वो हमारा अधिकार छीन है। हम
ये आदिवासियों जैनियों की कहीं से कोई भी लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई है। हम इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहते हैं, हम इसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करना चाहते हैं। हमारी कोई आदिवासियों से लड़ाई नहीं है, कोई राज्य से लड़ाई नहीं है, किसी भी केंद्र से किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसे पर्यटन स्थल जो घोषित किया गया है वो ना करके इसे वापस लिया जाए और इसे पवित्र, सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। सिर्फ हमारी यही है। और हम जैन भाई कुछ भी नहीं चाहते हैं, और अगर नहीं हुआ तो जैन भाई भी आपने देखा ही हमारा आंदोलन, हमारा पूरे भारतवर्ष से लेके विदेशों तक हमारा बहुत ही हुआ है आंदोलन। तो अंतिम सवाल लेंगे, जिस तरह से तमाम गतिविधियां आज देखने को मिली हैं, क्या लगता है राजनीति अब इस पे हावी है? हाँ, राजनीति तो है, ये तो हाँ राजनीति जरूर है, राजनीति के बिना ऐसा काम नहीं होता। ये जो आज जुलूस निकला है, जो राज लड़ने निकली है, ये राजनीति की, इनको राजनीति को कहीं संरक्षण है? राजनीति को कहने पर ही ये काम हो रहा है, वरना आदिवासी ऐसा नहीं करते। आदिवासी भी इतने पागल नहीं है कि वैसे चल जाएंगे, उनको नेताओं का सह मिल रही है, नेताओं की सह के ऊपर ये काम हो रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, उनको रोजगार मिलता है। आदिवासी को यहाँ से रोजगार मिलता है, हजारों आदमी को रोजगार मिलता है यहाँ से, हम लोग उनको रोजी रोटी दे रहे हैं, हजारों रुपए कमा रहे हैं रोज के रोज। हम लोग आदिवासियों का कहना है कि पहाड़ जो है, पहाड़ उनकी रोजी रोटी है, यहाँ से वो पत्ता तोड़ते हैं तमाम तरह के। पहाड़ उनकी रोजी रोटी नहीं है, उनकी रोजी रोटी जो यहाँ पर तीर्थ दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, वो हम लोग उनको रोजी रोटी दे रहे हैं। वो एक एंटी सोशल के साथ मिल रहे हैं, और कुछ नहीं, उनको भड़काया जा रहा है। बाकी आदिवासियों से सिर्फ कहना यह है कि आप अहिंसक तरीके से आइए, बढ़िया अपना रोजी रोटी कमाइए, आप हमारे तीर्थ यात्रा में सहयोगी बनिए और हम भी आपको यूं ही रोजगार देते रहेंगे, ये हमारा उनसे कहना है। पर वो जो राजनीतिक लोगों के भड़कावे में आ रहे हैं, ये उनके लिए ही आत्मघाती कदम है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हम तो आंदोलन करके इसको बचा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सर काट नहीं सकते, पर सर कटा जरूर सकते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र हमारा है, और इसको अहिंसक तरीके से रहने दें। सरकार से और मीडिया के भाइयों से यही मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह से इसको अहिंसक बना के रखें, पवित्र बना के रखें, और पूरे विश्व का हमारे तीर्थ क्षेत्र में स्वागत है। उज्जैन को, वैष्णो देवी को, सबको पवित्र क्षेत्र घोषित किया हुआ है, वहाँ पर कभी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह यहाँ भी मांस मदिरा का प्रयोग ना हो तो अच्छा है ना, और तो कुछ भी पवित्र क्षेत्र है। वैष्णो देवी में भी कोई मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता, उज्जैन में, और कहीं भी जाओ, किसी तीर्थ भी क्षेत्र में भी जाओ, अयोध्या में भी नहीं कर सकते। एक दिया होता है, उस बीच में हम लोग मांस मदिरा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तो जरूरी है ये पवित्र क्षेत्र घोषित कर। अनंत अनंत साधु सिद्ध गए, देख सकते हैं किस तरह से पारसनाथ में अभी का वास्तविक माहौल है।